होनहार दिलवान पे हो चिकने पाल, यह उक्ति दरअसल गोमिया के एक छात्र ने कर दिखाया है। मैं इस वक्त हूँ गोमिया में और मेरे साथ एक छात्र हैं जिन्होंने जापान में हायर स्टडी के लिए चयन किया गया है। आइए जानते हैं उनसे कि यह उपलब्धि कैसे हासिल की और क्या नाम हुआ। शुभम, आपको हायर स्टडी के लिए जापान के यूनिवर्सिटी में चयन किया गया, किस तरह का यह प्रक्रिया था और कैसे वहाँ गए आप? यह करीबन 8 महीने की प्रक्रिया है। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोफेसर को कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को इंटरव्यू लेते हैं और प्रोफेसर इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग को सेलेक्ट करते हैं। प्रोफेसर के सेलेक्ट करने के बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। यूनिवर्सिटी को सेंड करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी हम लोग को डॉक्यूमेंट के हिसाब से छांटती है। उसके छांटने के बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू 1 घंटा का करीबन होता है। उस इंटरव्यू के बाद अब यूनिवर्सिटी फिर उसमें फिर हम लोग को छांटती है। उस इंटरव्यू के बाद हम लोग का जो छांटने के बाद जो कुछ बच्चे होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन को जापानीज गवर्नमेंट को भेजा जाता है। फिर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फिर जापानीज गवर्नमेंट हम लोग को चुनती है। अगर वो चुन ली जापानीज गवर्नमेंट तो फिर हमें वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, पूरे देश भर में ये जो इंटरव्यू था या छांटनी था, कितने लोगों का था? हाँ, तो ये एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। तो मेरी यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में 5 सीट थे। इस 5 सीट में हम लोग ने इंडिया से दो लोग ने अप्लाई किया था, उसमें से हमारा सिलेक्शन हुआ है और 4 सीटें दूसरे कंट्रीज के हैं। वहाँ क्या स्टडी करना है? हाँ, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है मास्टर डिग्री और PhD के लिए इन कंप्यूटर साइंस में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो स्कॉलरशिप होगा वो भारत सरकार देगी या जापानी सरकार कौन देगी? यह स्कॉलरशिप जापानी गवर्नमेंट देती है। ये स्कॉलरशिप मेरे 5 साल के लिए, 2 साल मास्टर डिग्री के लिए है, 3 साल PhD के लिए। तो इस डिग्री से क्या होगा, इससे आगे क्या करेंगे? तो मेरा पहला भी टारगेट है कि पहले मैं भी इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में अपना डिग्री कंप्लीट करूँ। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मैं रिसर्च के फील्ड में, मोस्टली क्या है कि आजकल कंप्यूटर सब कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है, बट ऐसा कि डिजास्टर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। डिजास्टर कभी भी आ सकता है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा काम करूं कि कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी जैसे तूफान हो या भूकंप हो, तो वो पहले से हम लोग प्रिडिक्ट करके कम से कम हानि उसको और रिड्यूस कर सकें। जो मान हानि होती है, क्या जो भूकंप या आपदा के बाद जो हानि होती है उसको कम से कम रिड्यूस किया जा सके। ये आपकी पढ़ाई है जो शुरुआती पढ़ाई है, मैट्रिक इंटर कहाँ से किए? तो मैंने अपना 10th DV पब्लिक स्कूल स्वांग से कंप्लीट किया और मैंने अपना 12th भी वहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना BTech उड़ीसा से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरहमपुर, NIST बरहमपुर से मैंने अपना BTech कंप्लीट किया। BTech कंप्लीट करने के बाद मैं TCS में भी मैं काम कर रहा हूँ 6 महीना से, और अभी मैंने रिजाइन दे दिया क्योंकि मुझे अक्टूबर में जापान जाना है। सितंबर में मुझे जापान जाना है, अक्टूबर से मेरा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप होता है, तो क्या जापान की जो यूनिवर्सिटी है इसी वजह से पूरी दुनिया भर से जो इंटेलिजेंट छात्र हैं उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? हम लोग ये भी मान सकते हैं, बट ये एक आप समझिए, तो अगर 100% में अगर हम इसको मान रखें तो 100% में 10-20% बच्चों को इस बेसिस पर छाटा जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि जापान रिसर्च के फील्ड में ज़्यादा ये लोग काम करते हैं, तो अदर कंट्रीज में पढ़ाई 2 तरीके से होती है, रिसर्च बेस्ड होती है और नॉन रिसर्च बेस्ड होती है। बट जापान में पढ़ाई सिर्फ रिसर्च बेस्ड होती है। तो जापान मेनली फोकस करता है कि जो बच्चा रिसर्च में जो समय दे सके, जो रिसर्च कर सके, वही उन्हीं लोग को वो ज़्यादा कंसिडर करती है। अभी और जो बच्चे अगर इस तरह से जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए क्या संदेश होगा, कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं? कंप्लीट करने के लिए देखिए, इस स्कॉलरशिप में 2 तरह से हैं। अगर BTech करना चाहते हैं तो वहाँ से BTech भी करना है, मास्टर PhD के लिए भी। तो सबसे पहला अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जो हमेशा सबको बोलूँगा, पहले आप BTech इंडिया से ही कर लें, उसके बाद वहाँ जाके रिसर्च का काम करें, क्योंकि BTech में वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ रिसर्च करने के लिए बोलेगा। तो अब क्या है कि हम लोग 12th तक में आम पढ़ाई हम लोग का रहता है, रिसर्च बेस्ड पढ़ाई रहता नहीं, तो हम लोग को BTech में प्रॉब्लम है। तो वही मैं कहूँगा, अगर आप BTech कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो अपने उस बैचलर डिग्री के कार्यकाल में
आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अपने जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं ज़्यादा रिसर्च में फोकस किया, तो आप मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करते करते मैंने 2 पेपर अभी तक मैंने पब्लिश कर चुका हूँ अपने रिसर्च के बेसिस पे। तो मैं ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि जब भी बैचलर्स करें तो उसमें आप रिसर्च के लिए ज़्यादा फोकस करें, तब आप इसको स्कॉलरशिप के लिए ईजी होगा आपको पाना। अभी हम बात कर रहे थे शुभम से, जिन्होंने जापान में जाना है इनको सितंबर में और अक्टूबर से इनका वहाँ पढ़ाई शुरू होना है। ये बोकारो जिला का गोमिया प्रखंड है, गोमिया का या गोमिया बस्ती है, और साधारण परिवार से आते हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूँ धर्मेश अनंत कुमार।